अस्सलाम वालेकुम जी, वकास अजीज ऑफिशियल पे खुश आमदीद आपको कहता हूँ। इंतहाई दर्दनाक मामला भी है, लेकिन एक वो शेर है, मेरा ही शेर है कि चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, तुम्हारी जीत है लेकिन ये मेरी हार नहीं। और यहाँ पे ये अवाम का एक जम गफीर ये बता रहा है कि ये अरशद शरीफ की हार नहीं है, ये जीत है, पाकिस्तानी सहाफत की जीत है, पाकिस्तानी कौम की जीत है। लेकिन अवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जनाजे में शिरकत के लिए आए, हज़ारों में नहीं, लाखों में। मैंने अपनी ज़िंदगी में पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैह रहमा का जनाजा देखा बहुत बड़ा, खादम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा देखा बहुत बड़ा, और अब ये तीसरा बड़ा जनाजा मैं देख रहा हूँ। भाजी आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, जरा पास आइएगा नासिर भाई, बताइएगा क्या गम। पहली बात तो मैं करूँगी कि अरशद शहीद को पूरी कौम उनकी अजमत को सलाम पेश करती है और तमाम दुनिया के मुसलमान सलाम पेश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हक की आवाज़ उठाई है अरशद शहीद ने, उसको दबा दिया गया है, जैसे शिमर यजीद ने इमाम हुसैन की हक की आवाज़ को नाकाम शहीद किया। हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने से बच्चे से लेकर उनका पूरा घराना हज़रत इमाम हुसैन तक शहीद कर दिया, और उस वक़्त शिमर और यजीद की जीत हुई थी, और ज़ाहिर है दुनियावी लिहाज से तो इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, एक किस्म की हार हुई, लेकिन ये असल में हार उनकी है जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया है, असल में उनकी हार है, क़यामत तक उनकी हार है। इधर इस दुनिया में उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें पता है, सही, सही, पहले भी नहीं मिले, अब भी नहीं मिलेगा, और लेकिन रोज़े हशर में वो सब हर चीज़ सामने आ जाएगी। रोज़े हशर में अल्लाह और उसके रसूल के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे वो नहीं मानेंगे। ये जो है ना, अल्लाह की अदालत में पहुंच गया अरशद शहीद का, अल्लाह के रसूल की अदालत में उनके दर्जात बुलंद होंगे। और ये जो है ना, ये ताकत है इस दुनिया में, यजीदों की ताकत है, शिमर की ताकत है, और हक के जो भी हक की आवाज़ उठाते हैं वो नाकाम होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, उनके घर वाले रो जाते हैं, वो उनकी दुनिया में बहुत मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन ये है कि जैसे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद शिमर और यजीद ने खुशी मनाई थी, खुश हुए थे, मरियम नमाज ने वही कलमा बयान किया, वो खुश हुई है, उसने वही अल्फाज बयान किए, उसने शहीद पे बजाय अफसोस के उसने ऐसे अल्फाज किए हैं कि उसने वो मैं तो कहती हूँ सारी दुनिया को उसने कत्ल किया है, वह पूरी दुनिया की कत्ल है, पूरे मुसलमान की कत्ल है। मरियम नवाज ने जो अल्फाज बोले हैं, सही, नाज़रीन ने बहुत बड़ी तादाद में अवाम यहाँ मौजूद हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में भी ये चलाना है, बिल्कुल कुलियतन, अगर आप देखें के जनाजे में आए हुए हैं, चलाना है आपने, सही, और कुछ और जवान भी मौजूद है। कहाँ से तशरीफ लाए जी आप? सर मैं पिशावर रोड से आया हूँ, ठीक है, रावलपिंडी से। लेकिन आज हम जो है ना शहीद के जनाजे पे आए हैं, लेकिन ये कितने अरशद शरीफ को मारेंगे, हर घर से अरशद शरीफ निकलेगा, हर घर से निकलेगा। ये जो बुजदिल हुकूमत, ये जो हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, ठीक है, हम तो इसकी सियासत का रंग नहीं दे रहे, लेकिन ये हमारे लिए शहीद हुए हैं, इसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हम इसकी शहादत ज़ाया नहीं करेंगे, और हर घर से अरशद शरीफ निकलेगा, हम उनके साथ है, हम उसकी जो है ना घर वालों के साथ है, हम सारी सहाफत के लिए साथ है। लेकिन मैं सहाफत को एक और पैगाम दे रहा हूँ, जो लिफाफा सहाफत है इनके मुंह पे एक थप्पड़ है, ठीक है, अभी देखो एक शहीद और एक ईमानदार सहाफी, देखो जनाजा कैसी शान और शौकत से इसकी जनाजा निकला है। लेकिन मैं बाकी सहाफियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लिफाफा सहाफत जो बोल नहीं सकते, लेकिन उसके मुँह पर यह एक पड़े, क्योंकि आप भी इस मुल्क के लिए एक दिन जान दोगे तो इंशाल्लाह आपकी जनाजा ऐसी तरह निकलेगा। बिल्कुल जी, एक जोश पाया जा रहा है अमेरिका से, ये हमारे सीनियर सिटीजन है हमारे भाई बेजाद असलम साहब, क्या जज्बा आपको यहाँ लेकर आया सर? सर जज्बा एक ही है कि किसी तरह से इस मुल्क को बचाया जाए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी जो नहीं है रूल ऑफ लॉ के लिए जो नहीं है, मैं बिल्कुल लाकानूनीत है कोई इस मुल्क में, तो देख के हैरान हो जाता है इंसान के कैसे कैसे जो नहीं है वो किस किस तरीके से, और हर जो नहीं है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी वो अक्रॉस द बोर्ड जो नहीं है सब कंप्रोमाइज्ड है, सही सही, सब कंप्रोमाइज, सही। आप समझते हैं कि आज की तारीख में ये जो इतना बड़ा सानिया वाकया हुआ है,
इसमें कोई इंसाफ की बात हो सकेगी इन फ्यूचर, कोई इंसाफ मिल सकेगा इनके वारिस में? देखिए फ्यूचर तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मगर प्रेजेंट सरकमस्टांसिस में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। सही, प्रेजेंट सरकमस्टांसिस में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। यहाँ पे हमारे साथ आखिर में जाते जाते कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने क्वेश्चन किया इनसे कि इंसाफ मिलेगा, तो आप देख लें पहले कब मिले। ये भी दो चार दिन के बाद इसको फोल्ड कर दिया जाएगा, जिस तरह फाइल रख दी जाती है मनो मिट्टी तले दब जाएगी, अरशद शरीफ की कहानी ख़त्म हो जाएगी। हामिद मीर साहब को आपको याद होगा गोली लगी, उसके बाद से उनका मुंह बंद हो गया। कल वो कहीं बड़ा अच्छा बोले हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में, तो बात ये है कि इसको कैरी ऑन रखना चाहिए। आप सब ने तो बेचारे ने शहादत होगी उसकी कुर्बानी दे दी, आगे देखें कि आगे क्या होगा, आगे के लिए जो है ना कोई लाह अमल होना। सही, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त आप वक्त में देख रहे हैं जनाजा लेकर जा रहे हैं और एक जोश व खरोश पाया जा रहा है। मज़ीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।